जायका रेसिपीज किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे मसूर दाल तड़का। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे रोटी या चावल किसी के साथ भी खाएं। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं मसूर दाल तड़का। काली मसूर दाल तड़का बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, चलिए आपको दिखाते हैं। काली मसूर एक कटोरी, इसे मैंने आधा घंटा पानी में भिगो कर रख लिया है। पानी में भिगोने से दाल जल्दी गल जाती है। प्याज एक मीडियम साइज़ के बारीक चॉप कर लें। नमक स्वाद अनुसार। अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर आधा टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। टमाटर एक मीडियम साइज़ का ग्रेट कर लें। हरी मिर्च 2 बारीक कटी हुई। हरा धनिया 2 टेबल स्पून। तड़के के लिए मैंने 2 साबुत मिर्च ली है, इन्हें टुकड़ों में काट लिया है। 3 लहसुन की कलियों को बारीक बारीक काट लिया है। 1 टेबल स्पून जीरा, आधा जीरा हम तड़के में डालेंगे और आधा दाल बनाने में। कुकर में 2 टेबल स्पून तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दें। तेल गर्म होने पर हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे। जीरा तड़कने पर इसमें प्याज डाल दें। प्याज को चलाते हुए हम 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। मुझे प्याज को मीडियम आंच पर भूनते हुए 1 मिनट हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन को प्याज के साथ चलाते हुए 1 मिनट भून लें ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। हमारी प्याज भी सॉफ्ट हो गई है और अदरक लहसुन का कच्चापन भी निकल गया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालकर चलाते हुए मिला लें। अब हम इसमें हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। 1/2 टीस्पून हम तड़के के लिए बचा लेंगे। अब चलाते हुए मसाले को अच्छे से भून लें। मुझे मसाले को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये देखिए हमारे मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें दाल का सारा पानी निचोड़ कर दाल डाल देंगे। दाल को चलाते हुए मसाले के साथ 2 से 3 मिनट भून लें। मुझे दाल को मसालों के साथ भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। मैंने दाल में 2 गिलास पानी डाला है। दाल को चलाते हुए पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। मीडियम आंच पर दाल को 4 से 5 सीटी आने तक पका लें। 5 सीटी आने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था। प्रेशर खत्म होने पर कुकर खोल कर देखें। ये देखिए हमारी दाल अच्छे से पक गई है। अब इसमें हरा धनिया डालकर चलाते हुए मिला लें। अब हम दाल के लिए तड़का तैयार करते हैं। मैंने पैन में 2 टेबल स्पून तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल गर्म होने पर हम इसमें साबुत मिर्च डाल देंगे। अब इसमें लहसुन डाल दें। लहसुन को हल्का सुनहरा होने तक पका लें। लहसुन का कलर बदलने पर हम इसमें जीरा डाल देंगे। गैस को बंद कर दें। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डालकर चलाते हुए मिला लें। हमारा तड़का दाल में डालने के लिए एकदम तैयार है। मैंने दाल को एक बाउल में कर लिया है। अब तड़के को दाल के ऊपर डाल लें। हमारी काली मसूर दाल तड़का बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है।